नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के जीजा और सुशांत की बहनों ने और सुशांत के फादर ने मिलकर कर ली है कातिल की पहचान। बताया किस पर उनको सबसे ज़्यादा शक है। जी हाँ, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा क्योंकि अब कातिल की पहचान भी हो चुकी है और जल्द ही इस कातिल की गिरफ्तारी भी हो सकती है और ये आरोपी बचने वाला नहीं है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जिन भी लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को ख़त्म किया वो बहुत ही खतरनाक लोग थे। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को खत्म करने के लिए बहुत ही बड़ी रणनीति बनाई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को खत्म करने के लिए दोस्तों पूरी प्लानिंग के तहत काम किया था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में जो सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत की बहनें हैं, वो किसी भी तरह से इन कातिलों को छोड़ने के मूड में नहीं हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के जीजा और सुशांत सिंह राजपूत की बहनों ने कैसे कातिलों की पहचान कर ली है। जी हाँ, अभी हाल ही में सुशांत की बहन सामने आई थी और उन्होंने ये दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई और फिर सुशांत को ख़त्म किया गया। अब इसके बाद सुशांत की बहनें और सुशांत के जीजा ये भी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ लोगों के पर शक भी है, जिसका वो खुले तौर पर तो नाम नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने जब ये बातें कहीं कि उनको कुछ लोगों के ऊपर शक है, तो रिया चक्रवर्ती जो है वो पूरी तरह से बौखला गई। उसने तुरंत ही पोस्ट करके और कहा कि इतना घमंड करना तुम लोगों का ठीक नहीं है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये भी जाहिर हो गया कि रिया चक्रवर्ती पे ही सुशांत की बहन और सुशांत के जीजा आरोप लगा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रिया चक्रवर्ती ही सुशांत केस में मुख्य आरोपी है? क्या सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें रिया का हाथ है? इसकी जांच होगी और जरूर सीबीआई की टीम सारा खुलासा कर देगी और पता चल जाएगा कि सुशांत के साथ क्या हुआ था। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।